सो हाय एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। आज मैं जा रही हूँ गुड़गांव वाली माता के मंदिर, तो चलो चलते हैं। हम कहाँ चल रहे हैं? हाय गाइस, देखिए हम कहाँ चल रहे हैं। रेल की पटरी हो पत्थर गिरेंगे नहीं। हाय गाइस, आज मैं जूड़े के बिना हूँ और आज मैं थोड़ी ढंकी लग रही हूँ। देखो इसका फुल लुक, आसुम लग रही हो। वो कौन सा गाना देखे मैंने हाँ। कमेंट करके जरूर बताएं कि आज मैं कैसे लग रही हूँ। लिख देना सब बकवास लग रही है। हाँ तो बताओ तुम कैसा फील कर रही हो? क्यों, क्या हुआ तुम्हें? डिहाइड्रेशन का मतलब बाहर निकलते ही मिलता है कि नहीं बाहर की धूप का तेज नजारा देखा आपने? हाँ बहुत तकड़ा है। सो ये जब हम गुड़गांव पहुंचते हैं रेलवे स्टेशन, वहाँ पे एक छोटा मंदिर है, तो पहले यहाँ पे ही मत्था टेकना होता है। यहाँ से ही स्टार्टिंग हो जाती है पूजा की। अब हम जा रहे हैं शीतला माता के मंदिर। गाइस यहाँ पे ना प्रसाद इस तरह से एकदम डेकोरेट करके लगाया हुआ था ना, जैसे कि कोई हैम्पर हो, लाइक गिफ्ट हैम्पर्स हम लेके जाएंगे माता रानी के लिए। आप देख सकते हो कितने ज्यादा मतलब अच्छे से डेकोर किया हुआ है। अब हम मंदिर पूरा खाली पड़ा है, मुझे लगता है आज हमें गोल्डन दर्शन होने वाले हैं। ये अब हम जा रहे हैं शीतला माता के मंदिर में और फाइनली मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। मंदिर देखा जाए तो मंदिर बहुत ज़्यादा खाली पड़ा है और शायद भीड़ भी नहीं है। देखिए ये मेरी मॉम है जो जा रही हैं और ये मेरी भाभी हैं। ये मेरी भाभी हैं जिन्हें व्लॉग के अलावा कुछ नहीं आता। मेरा ही व्लॉग ज़्यादा। अब ये देखिए रोड चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं शीतला माता के मेन मंदिर में अंदर, और यहाँ पे हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे, भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी यहाँ पे। और यहाँ पे फिर मैंने अपना मन्नत का धागा बांधा और यहाँ पे मुझे बहुत सुकून मिला। कहते हैं यहाँ पे जो भी विश मांगो वो पूरी हो जाती है, तो मैंने भी मन्नत का धागा माना और वो विश जब पूरी होगी तब मैं आपको बताऊँगी। और फिर जब विश पूरी हो जाती है तो दोबारा से जाके मन्नत का धागा जो है वो खोलना होता है। अपने लिए इंस्टा के लिए अरे पीर पे। अब हम जा रहे हैं पीर बाबा पे, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे मसानी माता के मंदिर, फिर वहाँ पे प्रसाद चढ़ाएंगे, फिर कुछ खाएंगे एंड उसके बाद में हम जाएंगे घर। फिर तो लास्ट ऑप्शन घर ही बचता है। क्यों मैडम? आज के दर्शन आते हुए थे गोल्डन दर्शन, डायमंड सामने बैठी हुई थी और हमें दर्शन दे रही थी। ना पापा मम्मी, देखो देखो पापा मम्मी जा रहे हैं और वो पलट के देखे, हम इतनी तेज बोले ना वो पलट के देखने लगते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में, तब तक हम कुरकुरे खा लें। आ गए हैं पीर बाबा के यहाँ पे और ये देखिए भाभी कैसे चल रही हैं। और ये मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब चैनल इनका है और मुझे कभी कभी फील आ रहा है कि मेरा है। तो ये देखिए थोड़ा सा घुमा के है रास्ता, बट हाँ है। ये नहीं आ गए हम 12:30 में, अभी 12:30 में ही है। एक बजे मिल जाएंगे, एक बजे आए बोले चूड़ियाँ चूड़ी
ना वो गुड़गांव हम जा रहे हैं वापस घर, तो चलते हैं आपसे मिलते हैं बाद में घर पे। मुरादनगर गांधीनगर रेलवे रोड हम अपने घर पहुंच जाएंगे, फिर बात करते हैं। ये देखो इसको, ये देखो चैनिया कैसे पैर फैला के पड़ी है और फोटो ले रही है। मम्मी जी लेट ही गई हैं बिल्कुल, पापा जी वहाँ पे देख रहे हैं पानी की तलाश करते हुए। ऐसा लग रहा है पता नहीं जन्मों में पहली बार हम ट्रेन में आए हैं। मेरे पैर का इसने बना लिया है स्टैंड, और ये बराबर में हमारे सहयात्री ट्रेन वाले भैया हाय करना भैया हाय नहीं करते भैया हाय करना हाय नहीं करते भैया मैं कह रही भैया हाय करना पर कोई हाय नहीं करता। तो अब होता है हमारा सफर खत्म, ब्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।